मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को रद्द कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस फैसले के तहत कर्नाटका गवर्नमेंट को उस ऑर्डर पर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जनता दल सेकुलर आगे आने वाले दिनों के अंदर एच डी कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, देवेगौड़ा साहब के 4% रिजर्वेशन को कंटिन्यू भी करेंगे, और आपके दुआओं के साथ आपके वोटों के साथ अगर जनता दल सेकुलर में अगर मुझे जीत मिलती है तो इंशाल्लाह इस 4% रिजर्वेशन को और बढ़ाने का काम एक स्टडी करा करके एक टीम बना करके इंशाल्लाह हम जो करवाने का काम भी करेंगे। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adab, namaste. Karnataka government ne jo musalmanon ke 4% reservation ko rad kar diya tha, aaj Supreme Court ke andar us फैसले के तहत कर्नाटका गवर्नमेंट को उस ऑर्डर पर स्टे लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो राइटफुली कॉन्स्टिट्यूशनली जो मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन जो जनता दल सेकुलर के हमारे कायद एच डी देवेगौड़ा साहब ने दिया था उसको कंटिन्यू करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी साजिश 4% रिजर्वेशन को निकाल करके 2% वकलिया कम्युनिटीज़ और 2% लिंगायत कम्युनिटीज़ को देने का काम जो किया है या कर्नाटका के अंदर कम्युनिटीज़ को बीच लड़ाने का काम कम्युनिटीज़ के बीच में इंतशार पैदा करने के लिए जो साजिश की गई है आईना इलेक्शन के वक्त, ऐसे सियासी इकदाम आगे कभी ना हो। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस 4% रिजर्वेशन को बरकरार रखेगी और इंशाअल्लाह ताला जनता दल सेकुलर आगे आने वाले दिनों के अंदर एच डी कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो ये 4% रिजर्वेशन इंशाल्लाह ज़रूर 100% उसको रिटेन देवेगौड़ा साहब के उस 4% रिजर्वेशन को कंटिन्यू भी करेंगे, और आपके दुआओं के साथ आपके वोटों के साथ अगर जनता दल सेकुलर में अगर मुझे जीत मिलती है तो इंशाल्लाह इस 4% रिजर्वेशन को और बढ़ाने का काम एक स्टडी करा करके एक टीम बना करके इंशाल्लाह हम जो करवाने का काम भी करें, क्योंकि आज वक्त की ज़रूरत है। तमाम रिपोर्ट्स तमाम स्टडीज़ जो कर्नाटका के मुसलमानों के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, चाहे वो सच्चार कमेटी रिपोर्ट हो रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट हो, तमाम रिपोर्ट्स यहाँ पर कर्नाटका में ये साफ तौर पर आईने के मानिंद हैं, ये बता रहे हैं कि मुसलमानों की माशी हालत सामाजिक हालत उनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के अंदर कितना कम है। तो ज़रूरत इस बात की है कर्नाटका के डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए ताकत देने का काम हो और रिजर्वेशन की पॉलिसी और उसका फ़ायदा जो है मुसलमानों तक पहुंचाने का काम जनता दल सेकुलर का कमिटमेंट है, इंशाल्लाह कराने का काम हम करें।